देखिए हमारे पास है दो ग्लास कांच का, इसमें हम दोनों में पहले पानी भरेंगे। ये सादा पानी है, नल का मिनरल वाटर नहीं है, खाली डिब्बा मिनरल वाटर है। तो इसमें पहले हम सादा पानी भर लेंगे दोनों में, इसमें भरेंगे पानी और इसमें भरेंगे। ये दोनों अभी सादा पानी है, इसमें हम ये काम करेंगे कि एक में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक के बारे में पता है ना कि अगर नमक डाल दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है पानी पता है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व। ये सादा पानी है, इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे समुद्र का पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, पता है ना कि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। और समुद्र में तैरना, जो तालाब होता है सिंपल तालाब, उसमें तैरने की अपेक्षा बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका पानी गाढ़ा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है। और अगर घनत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें पानी जैसे जो शरीर होता है शरीर को ऊपर फेंक देता है, यानी शरीर हल्का महसूस होता है ज़्यादा। तो इसका घनत्व ज़्यादा हो गया, इसको अच्छे से मिला लेंगे पहले, नमक को अच्छे से पहले मिला लेंगे। आओ आओ आ जाओ, देखिए ये सादा पानी है और ये नमक वाला पानी है, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा। देखिए अंदर दिख रहा ना इसे, ये पानी है, इसमें डेंसिटी से ज्यादा हो चुका है। अब दोनों में हम नील डालेंगे, ये जो नीला कलर आता है ये कपड़ा रंगने वाला, ये कौन सी इसका अशोक का है, ये नील। पहले इसमें डालेंगे सादे पानी में, देखिए इसका रिएक्शन कैसे होगा, थोड़ा नजदीक करो, अगर नजदीक रोको ऐसे जाते हैं। देखिए इसमें अगर हम नील को डालते हैं दो बूंद जिंदगी की, एक दो, देखा इसका रिएक्शन कैसे होगा, पानी में फैल रहा है धीरे धीरे। इसको मिला दें, इसको हम इससे मिला देता हूँ, ये मिल गया, और थोड़ा इसमें डाल दें। अब इसी नील को हम डालेंगे नमक वाले पानी, ये नमक वाला पानी है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसको और अच्छे से मिला दें ताकि जो इसमें नमक पड़े बचे वो मिल जाए अच्छे से। अब इसमें हम नील को डालेंगे, देखिए किस तरह से रिएक्शन होता है इसमें, दोनों में अंदर दिख रहा है, पानी में तुरंत मिल गया था लेकिन इसमें मिल नहीं रहा, क्या कारण है कि इसमें मिल नहीं रहा, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। जो इसमें मिलने की जगह थी उसको किसने कवर कर लिया, नमक, अगर नमक ने कवर कर लिया तो कहाँ मिलेगा इतना आसानी से, घनत्व ज्यादा होगा। और ये जो इसमें नील है वो ऊपर ही तैर रहा, इसको मिलाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है मिलाने पर मिल जाएगी, देखिए आप जाकर ये मिला प्रयास के थोड़ा सा तरह। अगर इसको थोड़ी देर के रख ले तो ये भी शायद ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये कारण है। इसमें जब हम मिलाए तो आसानी से मिल गया, यानी घुल गया आसानी से, लेकिन इसमें आसानी से नहीं घुला, कारण क्या है, क्योंकि जो स्पेस रहता है जिसमें ये मिलता है जाकर के घुल रहा है डायलूट होता है, वो इसमें नहीं हो पाता, इसमें जगह दे रहा था नमक में, इसका घनत्व ज़्यादा होगा, और अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो आसानी से घुल नहीं पाएगा। हमारा ये पहला